जी नमस्कार, मैं रंजनी सांडिलिया और आप देख रहे हैं आर्यन 24 न्यूज। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं बनियापुर प्रखंड में, सारण के बनियापुर प्रखंड में। और यहां पे जो खाद बीज का है, यूरिया का क्या चल रहा है, आइए हमारे साथ मौजूद है आर्यन 24 न्यूज में। सबसे पहले आपका स्वागत है, धन्यवाद। बताइए, यहाँ अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी सारण जिला का उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व जिला पार्षद भी हूँ यहाँ से। और आपका जो प्रश्न है यूरिया के संबंध में, तो सरकार ने तो रेट निर्धारित कर दिया है और उसी रेट पर किसानों को मिल रहा है 264 रुपये प्रति बोरी। लेकिन यहाँ जो व्यापार मंडल है, सरकारी जो संस्था है, उसके माध्यम से तो जो आता है यूरिया वो निश्चित रूप से सब किसानों के बीच बांटा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं, जो लाइसेंसी दुकानदार प्राइवेट दुकानदार हैं, उनका जो आवंटन होता है, वैसे तो कृषि पदाधिकारी और उनके विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा सब जगह जाके बंटवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस संबंध में मैं बीओ से बात करना चाह रहा था, लेकिन बीओ का स्विच ऑफ है कि सही ढंग से वितरण का काम विभाग द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। जितना मात्रा में इन दुकानदारों को खाद मिल रहा है, हमको लगता है कि सही वितरण उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से कुछ किसानों को कठिनाई हो रही है। और इस संबंध में वैसे जनरल किसानों को मिल रहा है, क्योंकि पहले बिना रुपया ब्याज भी मिल रहा है, रेट पर ही मिल रहा है। लेकिन इस संबंध में हम लोग बीओ और बीओ से बात करके प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था में सुधार हो कि सभी किसानों को यूरिया सही समय पर उपलब्ध हो। सारण जिले में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लोग सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते लौट रहे हैं और व्यवस्था को कोस रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन इस समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकारी आंकड़ों को भी देखें तो सारण जिला में 28,700 मैट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया गया है, जिसमें अब तक 19,000 मैट्रिक टन यूरिया जिले को प्राप्त हुआ है। रबी फसलों के लिए जिले में 1,32,600 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है, जिसमें 1,28,317 हेक्टेयर भूमि में रबी फसल लगाए गए हैं। इन दिनों पानी होने के कारण किसानों में रबी फसल के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है और अब जब जिले में 10,000 मैट्रिक टन खाद की आपूर्ति नहीं हुई है तो किसानों के बीच हाहाकार मचना लाजमी है। प्रखंड क्षेत्रों में किसान सुबह से लाइनों में लगकर खाद के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। हालांकि जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर वेद नारायण सिंह ने कहा कि जिले में यूरिया की कमी नहीं होगी। किसानों से आग्रह किया कि जमाखोरों ना करें, शीघ्र ही जिले में यूरिया की आपूर्ति की जा रही है। रबी फसल की बुआई शुरू है, यूरिया की किल्लत जगह जगह दिख रही है। क्या आवंटन है, क्या आपूर्ति है, क्यों परेशानी हो रही है? यूरिया की किल्लत छपरा जिला में बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं है। वैसे पूरे राज्य में ही डिमांड के हिसाब से अभी यूरिया प्राप्त नहीं हुआ है और उसी के अनुरूप सारण जिला में भी हमको 29,000 के आसपास मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, जिसमें 19,000 मीट्रिक टन हमको प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 66% बनता है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ लगभग 35,000 बैग यूरिया का डिफरेंट ब्लॉक्स में डीलर के यहाँ पड़ा हुआ है और किसान उठा रहे हैं। बहुत किल्लत नहीं है, थोड़ी किस बारिश हो जाने से किसानों की संख्या ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो रही है, इसलिए ऐसा देखने से लग रहा है। सर, लेकिन रबी की बुआई का जो समय है वो निकलता जा रहा है। रबी के बुआई का समय तो लगभग समाप्त हो चुका है, चूँकि बारिश होने से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तो बुआई के समय उतनी यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है जितनी फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग बुआई के समय तो यूरिया भी अवेलेबल था, डीएपी भी अवेलेबल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी डीएपी बुआई के समय स्पेशल एप्लीकेशन में दिया जाता है, तो डीएपी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यूरिया की कमी नहीं है, थोड़ा संख्या बढ़ जा रही है, 35,000 बैग अभी भी हमारे जिला में पड़ा हुआ। किसानों को क्या सलाह देंगे? किसान को यही सलाह देंगे कि होर्डिंग नहीं करें, जमा नहीं करें और यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। यूरिया का कल भी रेट लगने वाला है, आने वाले दिनों में भी रेट लगने वाला है, यूरिया की हम लोग कोई कमी नहीं होने देंगे। सरकार एकदम सजग है और समय पर सभी किसान भाइयों को
266 रुपया 50 पैसा के अंदर यूरिया अवेलेबल है।